जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पहले तो चेतावनी दी, लेकिन जब वो नहीं माने तो जमीन पर ट्रैक्टर ट्राली चलवाकर 600 बीघा जमीन को कब्जे में ले लिया गया। पूरा मामला सामने आया है किरतपुर के असगरपुर इलाके में, जहां पर प्रशासन ने सरकारी ज़मीन पर ट्रैक्टर ट्राली चलवाकर ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। एसडीएम का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर फसल बो रखी थी। पहले तो उन्हें चेतावनी दी गई कि इस बार की फसल काटकर ज़मीन को तुरंत खाली कर दें, लेकिन उन्होंने फसल काटने के बाद फिर से नई फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रशासन ट्रैक्टर ट्राली लेकर मौके पर जा पहुँचा और 600 बीघा ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया गया। हमारे कीरतपुर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है असगरपुर, वहाँ पर हमारे नदी और रेगिस्तान की ज़मीन थी। उस पर पहले कुछ लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के असामी पट्टे हुए थे, क्योंकि असामी पट्टे के निश्चित टाइम अवधि होती है, ख़त्म हो गए थे। फिर उसके बाद कोर्ट से उनको कहीं रिलीफ नहीं मिला था। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर, क्योंकि हमें चारागाह इस समय हम लोग के लिए पशुओं के चारागाह के लिए जगह की आवश्यकता थी, हम लोगों ने कल वहाँ से 600 बीघे ज़मीन जो हमारी राजस्व टीम गई थी पुलिस और पीएससी के साथ में हटवाया गया था। और उसका हमारा प्लान है वहाँ पर एक गौशाला बनाने का, साथ में वहाँ पे चारा पशुओं के लिए, जिससे कि वो काफ़ी बड़ा एरिया है, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में जो है हरे चारे की सप्लाई हो जाएगी वहाँ पे, इसलिए उसको वहाँ पर हटाया गया। इन सबको पहले ही, पिछली बार ही जब ये फसल इनकी गेहूँ की लगी थी, उस समय इनको सबको सचेत कर दिया गया था कि भाई फसल काटते ही अपना ही कब्जा हटा लेंगे। हम लोग को ये लगा कि भाई इनकी फसल का नुकसान ना हो, तो इनका हम लोगों ने परमिशन दे दी थी फसल काट ली यहाँ से। उसके बाद भी इन लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा, फिर वहाँ पे नई फसल बोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे उन लोगों ने जमीन पर अपना कब्जा लिया।